तो नॉट योर टाइप को हम जब से देख रहे हैं जब इसके 2 से 3 हजार ही सब्सक्राइबर्स थे, और तब तो वो एनिमेशन वीडियोस की जगह गेम प्ले वीडियोस बनाया करता था, और हाँ तब तो वो फेस कैम वाली वीडियोस भी बनाता था। और अब देख लो, अब तो उसकी फेस रिवील वाली वीडियोस पे ही इतने सारे व्यूज आते हैं। पहले तो उसके खुद के ही व्यूज 2 से 3 हजार ही आया करते थे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है ये, इस वीडियो का तो नहीं पता बट इस वीडियो का टाइटल एकदम परफेक्ट बैठेगा नॉट योर टाइप पे, और अब तो थंबनेल भी परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि नॉट योर टाइम ने कई सीन्स ग्रेविटी फॉल्स कार्टून से कॉपी की हुई है। रेफरेंस लेने तक तो ठीक था, लेकिन इसने तो पूरी की पूरी सीन्स कॉपी मार रखी हैं। यस, तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कॉपी मारता है फॉरेन कार्टून ग्रेविटी फॉल्स की। तो जिसे ग्रेविटी फॉल्स के बारे में नहीं पता, तो हम उन्हें बता देते हैं कि हमें भी नहीं पता इस कार्टून के बारे में। ये इंडिया में आता था कि नहीं आता था वो सब तो हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि इसने कई सीन्स इस कार्टून से उठाई हुई हैं। और सिर्फ इसने इसी कार्टून से सीन्स नहीं उठाई हुई हैं, बल्कि ये फॉरेन एनिमेशन चैनल से भी उठा लेता है। तो नॉट योर टाइप को 8, 9 या 10 महीने पीछे लेके चले तो जैसा कि हमने बताया कि उस टाइम इसके 2 से 3 हजार ही व्यूज आया करते थे, वो भी मुश्किल से, क्योंकि इसके नॉर्मल व्यूज 800 से 1.5 हजार के आसपास ही व्यूज आते थे। और उस टाइम तो इसने फेस कैम वीडियोस भी बनाई हुई है, जो कि अब वो वीडियोस प्राइवेट हो चुकी है। अब क्योंकि वो वीडियोस प्राइवेट हो चुकी है, तो उन वीडियोस को साइड में करते हैं और बात करते हैं इन वीडियोस की। तो इसने जब ये सब वीडियोस डाली है, तो हमने सोचा कि क्या होगा यार, इसका इतनी मस्त वीडियोस बना रहा है बट YouTube इसको पुश क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसका कंटेंट बेस्ट था, बेस्ट तो अभी भी है, बट इस टाइप की एनिमेशन हमने पहली बार देखी थी। हाँ भाई, हमने पहली बार देखी थी, और उस टाइम तो हम ज्यादा एनिमेशन चैनल्स को भी नहीं देखते थे। तो जहाँ सब एनिमे टाइप एनिमेशन करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ ये बंदा वेस्टर्न टाइप एनिमेशन वाइब दे रहा था। तो यही सब देख के हमें लग रहा था कि क्या होगा यार, इसका इतनी मेहनत कर रहा है बट इसके व्यूज ही नहीं आ रहे। बट क्योंकि इसने वीडियोस बनाना बंद नहीं की और ये बंदा लगातार वीडियोस डालता रहा, वो भी पर वीक, जहाँ एनिमेटर्स को कम से कम 1 महीना लगता है एक वीडियो लाने में, और ये बंदा महीने में 4 वीडियोस डाल रहा था। और सिर्फ ये वीडियोस ही नहीं डाल रहा था, बल्कि ये वीडियोस में इस तरह की खुरापाती भी कर रहा था, वो भी अपने स्टाइल में। और जो बोलते हैं ना कि आरजी के नाम पे व्यूज लेने से ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर नहीं कहलाए जाओगे, तो ये बात जिसने भी कही है उससे हम यही बोलना चाहेंगे कि यार अपना ज्ञान तो अपने पास रख, जो आरजी का नाम यूज कर रहे हैं तो यूज करने दो, तुम्हारे चलूने काय काट रहे हैं। आरजी का नाम यूज करने से ओरिजिनलिटी का टैग हट जाता है क्या? बल्कि मेहनत तुम्हारी ही होती है, बस क्योंकि आरजी का नाम यूज किया है तो व्यूज आने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या गलत है यार? भाई नॉट योर टाइप ने भी ये किया हुआ, जब इसके व्यूज नहीं आते थे तब उस टाइम इसने ट्रेंडिंग चीज पे ही वीडियोस बनाई हुई है, जैसे राधे का स्पूफ, बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल जैसी वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें बोर्ड एग्जाम कैंसिल वाली वीडियो तो कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई थी, बट राधे स्पूफ वाली वीडियो इसकी चल पड़ी थी, और इसी वीडियो के बाद स्टार्ट हुई थी इसकी ग्रोथ जर्नी। बट एनीवे, जिसे ओरिजिनल का टैग लगवाना है उन्हें लगवाने दो, फिलहाल हम तो बात कर रहे हैं नॉट योर टाइप की। अब इतनी तारीफ कर ही दी है तो ये भी सुन लो कि उसकी ग्रोथ होनी ही थी, बिकॉज ये बंदा इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते यार इसके बारे में, क्योंकि कंसिस्टेंट तो हम भी रहना चाहते हैं, बट जब भी वीडियो पे काम करो तो ये साला फोन इतना ज्यादा परेशान करता है कि क्या ही बताएं। पर खैर छोड़ो, ऐसी वाहियात बातें कभी और करेंगे, फिलहाल के लिए इस वाहियात की बात कर रहे हैं तो एक मिनट, क्या बोलो तूने जो सुना तूने? अच्छा आयु भाई, इधर आओ जरा। अबे यार इसको यहाँ काय लाए? इसको यहाँ हम नहीं लाए, बल्कि ये हमें यहाँ लाया। वो कैसे? साले तू इतनी जल्दी कैसे बोल सकता? तू नहीं तो हमें यहाँ बांधा था। हाँ बांधा था, तो बांधा तो तूने था, लेकिन खोला इसने था। 3 हफ्ते से उस रोशनी वाले रूम में डले थे, लेकिन एक दिन उसी रोशनी वाले रूम में रोशनी के अलावा किसी का चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा था नॉट योर टाइप का। अच्छा वो सब छोड़, तू बाद में मिल मेरे से। अभी मिलने में कहा है? अरे वही चीज तो तुझे बाद में दिखानी है। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे तुझे बाद में भी। हाँ तो ये था कुछ नहीं, बस नॉट योर टाइप की स्क्रिप्ट का एग्जांपल था। और अगर तुम्हें भी नॉट योर टाइप की तरह स्क्रिप्ट लिखनी है तो तुम वीडियोस में ऑफ टॉपिक जा सकते हो, और ये चीज तुमने नॉट योर टाइप की वीडियोस में नोटिस भी की होगी। वीडियो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जा पहुँचती है पता ही नहीं चलता, और ये मानो मेरी बात, ये बहुत सही चीज है एटलीस्ट स्टोरी टाइम वीडियोस से। स्टोरी टाइम तो सभी बनाते हैं, नॉट योर टाइप भी बनाता है, बट नॉट योर टाइप की स्टाइल ही अलग है यार। लेकिन जो इंडिया में देखने में सबसे अलग लगता है वो साला फॉरेन चैनल्स की कॉपी ही होता है, इंस्पायर्ड होता है। जैसे कि नॉट योर टाइप इंस्पायर्ड है एक्सप्लोजम एंटरटेनमेंट से, एनिमेशन की बात कर रहे हैं। और इंस्पिरेशन लेने से क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो जब होती है जब लोग इंस्पिरेशन के नाम पे छापना स्टार्ट करते हैं। जैसे
तो जैसा कि हमने बोला था कि नॉट योर टाइप ने काफी सीन्स ग्रेविटी फॉल्स से कॉपी या रेफरेंस जो भी बोलो वो की हुई है, और सिर्फ इसने ग्रेविटी फॉल्स से ही नहीं बल्कि फॉरेन एनिमेशन चैनल से भी उठाई हुई है, और यही नहीं बल्कि वो आगे भी उठाता रहेगा यार। क्योंकि तुम एक बार खुद सोच के देखो कि तुम अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट यूनिक मस्त जो भी हो वो सब वीडियोस बना रहे हो, वो भी ज्यादा क्वांटिटी के साथ वीडियोस लाते जा रहे हो। और अगर तुम्हें अभी भी क्रिएटिव ब्लॉक नहीं आया है तो तुम और भी लाते जा रहे हो। तो एक समय ऐसा आएगा जिस टाइम तुम्हें क्रिएटिव ब्लॉक का सामना करना पड़ेगा और उस टाइम तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि करें तो करें का। तो इस टाइम तुम्हें हेल्प करता है ये सॉल्यूशन जिसमें तुम अपनी कैटेगरी वालों की वीडियोस देखते हो, उनसे मिलेगा तुम्हें कुछ बनाने का आइडिया और तुम अपनी वीडियो में उस चीज को यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, और इसे शायद रेफरेंस लेना भी कह सकते हैं। रेफरेंस लेना ही कहेंगे ना, बट रेफरेंस लेना तक तो ठीक है, रेफरेंस लेना तो समझ आता है, बट इसने तो पूरे के पूरे सीन्स ही छाप रखे हैं, बस उसमें उसने अपना कैरेक्टर लगा दिया है, हालांकि उसने खुद ही बनाया है और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उसने क्रेडिट भी दे रखा है, बट इसके बावजूद भी वो कॉपी ही कहा जाएगा ना। और इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू नॉट योर टाइप ही इज अ कॉन्टेंट क्रिएटर नॉट अ इंस्पिरेशन के नाम पे। साले अब बता क्या बोलने वाला था बाद में। अच्छा हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि अबे साले क्या हुआ बोल।